एस टी एफ की टीम नू वड्डी सफलता मिली है। तुसी वेख सकते हो एक नौजवान है, इहदे कोलों देखो हथियार भी फड़े गए ने, 8 पिस्तौल ने, इहदे नाल नाल 2 किलो तो वध हीरोइन फड़ी गई है। ये ड्रोन दे राही हथियार मंगवाउंदा सी, कदों तो इस काम च शामिल सीगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। परमजीत सिंह दा नाम दस्सिया जांदा है। तुसी देख सकते हो कि हथियार लगातार ही जिहड़े है पाकिस्तान तो जिहड़े आंदे आ, मुश्किल दा सबब बने होए है। पंजाब सरकार खासी चिंतित है कि हथियार ये कदों दा मंगा रहा है, कित्थे इहने देने सी, किस तरह मंगाए सी, इस सारी गलबात असीं तुहानूं दस्सांगे। गलबात करांगे साडे नाल एस टी एफ दे अधिकारी ने विंदर महाजन, उन्हां नाल गलबात करदे हां। मान साहब दसना, ये कित्थों बंदा पकड़िया, कित्थों दा रहिण वाला, तो इन्वेस्टिगेशन की सामने आया? देखो साढ़े कोल करीब 8-10 दिन तो इनफॉर्मेशन सी कि पाकिस्तान पार तो ड्रोन राही कंसाइनमेंट आनी है जिहड़ी इत्थे अमृतसर बॉर्डर ते आएगी और इत्थे किसे समगलर नूं डिलीवर होनी है। कल फाइनली सानू इनफॉर्मेशन आ गई कि वो जिहड़ी कंसाइनमेंट आनी सी पाकिस्तान तो वैपन्स और हीरोइन दी, वो आ चुकी है और जिस समगलर कोल जानी सी उहनूं डिलीवर हो चुकी है और वो अगे डिलीवरी देने वास्ते जा रहा। असीं इहनूं अजनाला रोड तो काबू कर लिया, काबू करके दी गड्डी दी तलाशी ली, उहदे विच सानू 8 पिस्टल चाइनीज़ जिहदे विच 2 ग्लॉक ने जिहड़े ब्रस्ट मारन च वी काबल ने, 30-30 गोलियां दे मैगजीन्स ने नाल उहनां दे, और 6 स्टार मार्का पिस्टल्स जिहड़े चाइनीज़ बहुत सोफिस्टिकेटेड वैपन है, 8 पिस्टल टोटल और 2 किलो हीरोइन इहदी कार विच रिकवर हुई। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन दे विच इहने दस्सिया कि कंसाइनमेंट परसों रात नूं पाकिस्तान तो ड्रोन राही आई सीगी 2 हिस्सों च, जिहड़ी मेरे बंदे ने रिसीव करके ते मैनूं डिलीवर कीती है। वो हुण इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि वो बंदा कौन है, वो कित्थे मिलेगा। अज असीं इहनूं कोर्ट च पेश करा के रिमांड लै के ते अगली इन्वेस्टिगेशन। शुक्रवार रात नूं इहनूं जिहड़ी है कंसाइनमेंट आई पाकिस्तान वल्लों, ते इहनूं कदों डिलीवर होई है? इहनूं कल डिलीवर होई सवेरे अर्ली मॉर्निंग। ते इह कित्थों दा रहिण वाला है, ते इन्वेस्टिगेशन सामने आया भी पहलों वी कितें इस तरह के मामलों च शामिल सीगा? जी हाँ, ये खास पिंड है बॉर्डर पर जिहड़ा समगलर्स नाल दे नां ते मशहूर है, हवेलियां दा रहिण वाला। और इहदे बारे में दस दें कि 532 किलो वाला जिहड़ा केस सीगा जिहड़ी कस्टम्स ने रिकवरी कीती सीगी, उहदे जिहड़ा मेन अक्यूज है इकबाल सिंह शेरा, ये उहदा कज़न है, और हवेलियां दा एक बिल्ला सरपंच है जिहड़ा भी पुराना समगलर है, ये उहदा भी रिश्तेदार, चाचे ताए दे पुत्तर ने आपस च, मतलब सारी फैमिली ही ये ड्रग दे बिजनेस विच ऑलरेडी इनवॉल्व है। और इहदे ते ऑलरेडी 2 मुकदमे दर्ज ने, एक फेक करंसी दा और एक वैपनस दा, जिहदे विच जींद जेल च रह गया, हिसार जेल च रह गया। हिसार जेल दे विच ही कुलदीप सिंह नां दा बंदा जिहड़ा हरियाणा दा रहिण वाला नूं मिलिया सीगा, इह उहदे लिंक्स राहीं ही इह कंसाइनमेंट इहने पाकिस्तान तों मंगवाई है। वह इस वेले दुबई च सैटल है और दुबई तों उहने मैनेज करके कंसाइनमेंट जिहड़ी इधर भेजी है। रविंदर जी, इहने दस्सिया भी ये डिलीवरी कित्थे देनी सी इहनां ने, जां इस तों पहले भी किन्नियां कंसाइनमेंट मंगवा चुका है? नहीं, फिलहाल एक्चुअली असीं कल मुकदमा दर्ज किया, अज इहनूं कोर्ट च पेश करके प्रॉपर इंटेरोगेशन होएगी, फिर सारे फैक्ट सामने आएंगे। पर इन्हें यही गल कही है फिलहाल कि जिहड़ी डिलीवरी मैं देनी सी, मैनूं पिछों इंस्ट्रक्शन आनी सी, उहदे मुताबिक ही मैं अगर डिलीवर करनी सी, जे मैनूं इंस्ट्रक्शन आई नहीं सी। मतलब ये कह सकते हैं फिर एक एज ए स्लीपर सैल काम कर रहा है आई एस ए, जिहड़े भी पाकिस्तान च बैठे समगलर्स ने, या जिहड़े पंजाब दे विच कुछ ऐसे लोग बैठे जिन्हां दे उत्थे जिहड़े टैररिस्ट ने या ISI वाले ने, उहनां दे नाल उहनां दे संबंध ने? देखो, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। बाकी ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਜਾਂ ਆਈ ਐੱਸ ਏਜੰਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਪਰਪਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। अच्छा, तुसीं दस्सिया भी 2 जिहड़े ऐसे पिस्टल भी फड़े गए ने जिहड़े कि लाइक स्टेन गन जिहड़े ओह ब्रस्ट मारदे आ, इस तरह की इस पिस्टल की रिकवरी पहले बारी हुई है या पहले भी इस तरह के पिस्टल रिकवर हो चुके हैं? नहीं, मेरा ख्याल ये पहली बारी हुई है। स्टार वाले पिस्टल पाकिस्तान के ते चाइना वाले तो काफ़ी बारी फड़े गए ने, पर ग्लॉक जिहड़ा बड़ा सोफिस्टिकेटेड वैपन है और 31 गोलियां दा उहदा मैगजीन है और वो सिंगल शॉट दे नाल नाल ब्रस्ट भी करदा। अच्छा, मान साहब देखो बड़ी वड्डी कामयाबी है, पहले भी STF ने बहुत सारी हीरोइन भी पकड़ी है जिवें तुसीं दस्सिया, ते पहले भी क्रिमिनल मामले दर्ज ने, ये बेल ते सीगा या किस तरह फिर आके फिर दोबारा उस काम च इनवॉल्व हो गया? जी हाँ, बेल ते सीगा जी, ये फेक करंसी दे केस च हिसार जेल च रहा, उतों ये बेल ते सी और करीब 1.5 साल तो 2 साल तो ये रह रहा है बाहर और आंदे ही फिर एक्टिविटीज़। जिहड़े पुराने समगलर ने ये काम छड्ड नहीं सकते, किसी हालत च भी नहीं छड्ड सकते, उन्हां तों
जी पूरा पिंड ही काफ़ी काफ़ी लोग उस पिंड समगलिंग का काम करते हैं तो होर भी लोग तुहाडे रडार ते हैगे हैं। देखो जी जिहड़ा मैं तो यह कह सकदा कि बॉर्डर बैल्ट दे विच जिन्ने भी पिंड ने किसी ना किसी तरीके सीधे या सीधे तरीके समगलिंग नाल जुड़े ही हुए हैं। कोई इनडायरैक्टली नहीं जुड़िया, कोई इनडायरैक्टली जुड़िया, किसी ने कोई शैल्टर दे रहा, किसी का कोई समान रख रहा, कोई समान मंगवा रहा, ये तकरीबन बॉर्डर एरिया जिहड़ा वो अफेक्टेड है। सरकार भी बहुत चिंतित है जी, ड्रोन के राही हथियार आते हैं, नशा आता है। देखो नवी टैक्नीक आ गई, क्या हुण एसटीएफ नूं भी अपग्रेड करने वास्ते क्या कोई नवी गाइडलाइनस डीजीपी साहब वालों या भगवंत मान वालों हो या आई हैं भी तुहानूं भी हुण अपडेट किया जाऊगा क्योंकि एसटीएफ के उपर भी बहुत वड्डी जिम्मेदारी है। देखो एक तो थोड़े दिन पहले तुहानूं पता होना कि साडे डीजी साहब चेंज हो गए ने, सरदार कुलदीप सिंह बतौर स्पैशल डीजी उन्होंने ज्वाइन किया और आंदे आए उन्होंने सैक्शन से जी सख्ती नाल इस चीज़ को क्रश करना है। उसके वास्ते तुहानू कोई भी रिक्वायरमेंट है डिपार्टमेंट तो अपग्रेड होने वास्ते कुछ सोफिस्टिकेटेड वैपन चाहिए ने, तुहानू कोई टैक्निकल सिस्टम सपोर्ट चाहिए डिपार्टमेंट तो तुहानू मिलेगी हर तरीके की, वो सानू मिल रही है। मॉडर्न स्प्रिंडी जिहड़ी है वो समगलर्स की चेंज हो गई है, पहले जनरली थ्रो होंदी सी तारां दे पारां तों या पाइप राही समान निकाल दिंदे सी, उस रिस्क बहुत सी क्योंकि तारां दे उपर आना पैंदा सी, BSF वाले किसी वेले घेर लैंदे सी, बंदे मारे जांदे सी। हुण तो बड़ा सेफ उन्हां कोल एक सिस्टम आ गया, अपने घर बैठे ड्रोन उड़ा दिंदे ने, इत्थे चार चार पाँच पाँच किलोमीटर अंदर तक आ जांदा, डिलीवरी करके चला जांदा। हुण इन्हें अपनी इनिशियल इंटरोगेशन 'च दस्सिया कि जदों परसों रात नूं इह डिलीवरी होई है, कंसाइनमेंट आई है ड्रोन राहीं, उदन भी BSF ने बहुत फायर किया, उन्होंने इलू बंब भी चलाए ने देखने वास्ते और सुटने वास्ते, पर बावजूद भी ये दो बारी चक्कर लगा के कंसाइनमेंट डिलीवर करके गया। अच्छा लास्ट सवाल है जी मैं सर मेरा तुहानू, देखो जिवें ये तुसीं दस्या भी पुराना इसे काम च शामिल है पुलिस वाले लिए वड्डी चुनौती, बहुत सारे ऐसे लोग ने जिन्हां नूं जेल च भेजा जांदा वह बाहर आके फिर उही काम करन लग जांदे ने, इहदे ते कुछ स्ट्रैटेजी पुलिस नवीं बना रही भी जिहड़े लोग हैबिचुअल क्रिमिनल्स ने उहनां नूं बेल ना मिले या कोई इस तरह की कोई पॉलिसी या कोई होर फ्रेम किया जाए कि तुसीं जिवें दस्या भी लोग हटते नहीं है वार वार उही काम करन लग जांदे ने जिहड़ी कि ज़्यादा सिरदर्दी बनती जदों पता ही है भी हटना ही नहीं तो बंदे ढीठ हो गए हैं। पहली गल तो भी जेल तो बाहर आके नहीं है, जेल च बैठे भी काम करी जाते हैं, ये बड़ा सेफ स्पॉट है उन्होंने को, ना कोई खतरा है ना कोई फड़े जाने का झंझट है, अंदर बैठे आराम नाल काम करी जाओ, व्हाट्सएप फोन कॉल्स सारा कुछ वो अंदर किसी ना किसी तरीके मैनेज कर लेंगे ने और करी जाते हैं। बाकी इनू क्रश करने वास्ते साडे IG साहब श्री जायसवाल साहब ने ज्वाइन किया, बड़े आप कह सकते हैं कि अगली सोच वाले अफसर ने, उन्होंने इंस्ट्रक्शनस कीतियां ने कि जिन्हें भी बेल आउट बंदे ने इन्हों चैक करो, इन्हों रूटीन चैक रखो, इन्हों लियाओ पुछगिछ करो, इन्हों शामिल तफ्तीश करो बार बार जो कि कंसाइनमेंट्स होंगे, मतलब इन्हों लोगों से क्योंकि ये लोग बार 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 यही लोग ने जोड़े काम करते हैं। तो मंच कि गड्डी जा रहा जो पकड़िया जी इन्होंने तो कितने वरना कार चीगा जी मीराकोट चौक तो एक खैराबाद रोड जाती उस रोड के उत्ते काबू किया, कुछ होर दसना चाहो या ये नाल नाल कुछ होर तारा जुड़िया कदों तक खुलासा हो जाएगा? देखो अज असी इनू कोर्ट च पेश करके रिमांड लैके डिटेल्ड इंटरोगेशन होएगी, पुछगिछ होएगी, फिर उस तो बाद कुछ ज़्यादा क्लीयर गल कर सकते अगे भी अपने AIG STF के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिमें क्या भी जेलों बड़िया सॉफ्ट जरा स्पॉट बन गई उत्थे हर अंदरों ही बह के कहा जाता भी कितों डिलीवरी ले लाँ कितने डिलीवरी दे आ, एक नवी चुनौती पुलिस सामने आ गई, पुलिस सामने पुलिस ही नवी चुनौती है। बिल्कुल चुनौती तो है ही है जी, मतलब एक जिस तरह हूँ आप कह सकते हैं कि मैक्सीको अमेरिका के पैरों च बैठा हुआ, मैक्सीको नहीं अमेरिका रोक सकया अजे तक ड्रग भेजन तो, उन्हें कंप्रोमाइज़ कर लिया, असी अजे कंप्रोमाइज स्टेज नहीं है, असी कोशिश कर रहे हैं जी तोड़ के इन किसी तरीके स्नब किया जा सके पर टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पैणगे। देखो तुम देख सकते हो भी एक जो नौजवान है ये पहले हैबिचुअल क्रिमिनल है, पहले भी ये ते मामले दर्ज ने, हिसार जेल च बंद सी, जेल तो बाहर आता है आके फिर यही काम करन लग जाता है। पुलिस दे पुलिस की देखो बड़ी वड्डी कामयाबी है कि 8 पिस्टल 2 किलो हेरोइन तो होर भी जो समान, उम्मीद है कि ये कदों तो काम कर रहा, कितने इन्हें देने से, ये कितने ये कि वारदात होनी सी, ये पंजाब का माहौल खराब कर लगी हैं लगातार एजेंसियां, तो वो लोग जेडे कि देश बैठे थोड़े पैसों लिए देश ना गद्दारी कर रहे हैं। पुलिस की बहुत वड्डी कामयाबी है, इनू अज रिमांड लिया जाएगा तो होर भी कई खुलासे होने की उम्मीद है जिदी जानकारी असी तुहानू नाल नाल देंदे रहांगे। अमृतसर तो D4 News दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।